तो यादव लैंड का संग्राम अब कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या यादव भी जाट मुस्लिम की तरह एकजुट हो पाएंगे? यह सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री की दूरी क्या संकेत दे रही है। जी, 16 जिलों की 59 सीटों पर कल होगी वोटिंग। बीजेपी अखिलेश के जोश से क्या वाकई परेशान हो चुकी है? समाजवादी पार्टी के नेता यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की बेचैनी अखिलेश के कॉन्फिडेंस से डगमगा रही है। अखिलेश का मनोबल तोड़ना चाहती है बीजेपी, सपा दावा कर रही है। अब ऐसे में यादव बेल्ट में अखिलेश की साख की लड़ाई है, परिवार की साख बचाने की चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। तमाम तरह के वार पलटवार के बाद अब गर्मी उतार देना, चर्बी उतार देना, कब्रिस्तान शमशान के बाद अब एंट्री हो चुकी है आतंकवाद की। वैसे तो इस चरण में जो कि 16 जिलों का चुनाव है, 16 जिलों की 59 सीटों पर यह चुनाव होना है, बीजेपी ने 2017 में यहीं पर ही 49 सीटें एक साथ एक तरफा जीती थी। 2012 में इसी यादव लैंड पर, 2012 का मैं जिक्र कर रहा हूं, 2012 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यानी कि जिसने इस गढ़ पर कब्जा कर दिया, सत्ता पर भी उसने कब्जा किया। दिलचस्प बात यह है कि 2017 में महज 8 सीटें सपा ने जो जीती उसमें से 6 यादव बेल्ट की सीटें थी। 30 विधानसभा ऐसी है जहां पर यादव और दलित वोट बैंक की संख्या निर्णायक भूमिका में है। यानी कि एक तरफा वोट पड़े तो उस पार्टी को जीत के करीब लेकर गए। 31 सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर थी। यानी कुल कल 627 उम्मीदवार मैदान में होंगे जिनके भाग्य का फैसला 2 करोड़ वोटर करेंगे। अब 2 करोड़ वोटर किसे अपना भाग्य विधाता चुनेंगे, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यह जो चरण है वो महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है। अब दिलचस्प मुकाबला क्यों हो गया? क्योंकि एसपी बघेल चुनावी रण में आ गए, वहीं सतीश महाना बीजेपी के दिग्गज, इन नेताओं की साख भी दांव पर है। जिन जिलों में वोटिंग होनी है वो जिले हाथरस है, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा। तीसरे चरण में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला मैनपुरी के करहल सीट पर है, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी मैदान में। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की जमानत नहीं बचेगी। अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के प्रत्याशी कौन है? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो चुनाव लड़ रहे हैं। बघेल साहब कभी मुलायम सिंह यादव के शिष्य हुआ करते थे। कांग्रेस ने इस सीट पर अखिलेश यादव को समर्थन दिया है, जबकि बीएसपी ने कुलदीप नारायण को चुनावी रण में उतारा है। अखिलेश के चुनावी मैदान में होने की वजह से करहल सीट अब सबकी निगाहों में आ गई है। करहल सीट पर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश की साख ही दांव पर नहीं लगी, बल्कि अखिलेश यादव को अब अपने परिवार की साख भी बचानी है इसी बेल्ट पर। यानी कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और सामने मुकाबला किससे? मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक शिष्य एसपी बघेल से। अब किसके सर जीत का सहरा सजेगा, जनता को तय करना है, क्योंकि एसपी बघेल अपना सियासी सफर समाजवादी पार्टी से उन्होंने शुरू किया था, इसलिए मुलायम सिंह यादव को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। दावे किए जा रहे हैं कि कड़ा मुकाबला होगा। अब दावों में कितनी हकीकत है यह तो जनता तय करेगी,
लेकिन चुनाव में इस बार कौन कौन से मुद्दे छाने वाले हैं वो टीवी चैनलों की डिबेट से आप समझ गए होंगे। नफरत के मुद्दे पर जिस तरह से डिबेट हो रही है वो नफरत का मुद्दा भी छाया हुआ है, अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। तो क्या नफरत के आधार पर ही चुनाव होगा? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, अपने मेहमानों की तरफ रुख करें, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आए, वो बयान आपको सुना देते हैं और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जो आज मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन पहले जरा ये बयान सुनिए। धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं भाई। अगर फिर से आने वाली नहीं है मगर अगर फिर से गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना, तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश से समाजवादियों ने तय किया है कि घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। और अपने किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री, कोई पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। अखिलेश यादव, सबसे बहुत लंबी भी बात की जा सकती है, लेकिन मैं जानता हूं पीलीभीत के लोगों ने मन बना लिया है पार्टी को जिताने के लिए। बताओ, चारों जिताओगे कि नहीं जिताओगे? बरेली वाले जानते हैं कि कितनी सीटें जीत के आ रहे हो। बताओ, पहली बार ऐसा चमत्कार हो रहा है, बरेली सब सीटें जीत रहे हो आप। तो उसके गोबर को सरकार 2 रुपए किलो में खरीद रही है। तो आप हंसोगे कि गोबर क्यों खरीद रहे, लेकिन गोबर खरीद के स्वयं सेवा समूह की महिलाएं हैं ना, तो आपने वर्मी कंपोस्टिंग किया होगा। हाँ, तो क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, वो कहती है कि अगर आप आवारा पशु को घर में रखोगे या तो कल होगा महत्वपूर्ण चरण का चुनाव, और ऐसे में साख दांव पर है अखिलेश यादव की, खुद की भी और परिवार की साख को भी बचाना। चुनौती दोनों तरफ से है, कौन पड़ेगा किस पर भारी? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। और आखिरकार जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नफरत के मुद्दे को पैदा कर इस वक्त टीवी चैनलों पर डिबेट चल रही है, क्योंकि हिजाब को भी नकार दिया गया, और हिजाब को नकारने के बाद हिंदू मुसलमान पाकिस्तान अब एंट्री हुई है आतंकवाद की। अब देखते हैं कि जनता का रुख आतंकवाद को लेकर क्या रहता है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही साथ लोकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विशेषक हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तो कल यादव लैंड पर सियासी संग्राम होगा, गुलरेज जी तैयार हैं? और मुझे लगता है कि वंशवाद, गुंडागिरी, इन सबके जो तागूद है उस पर यादव समाज ही दूसरे समाजों के साथ मिलकर अंतिम खील ठोकेगा और उसको पैक करके भेज देगा। तो मुझे लगता है कि अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अखिलेश जी, और इसीलिए इस वृद्धावस्था में, बीमारी में उनको मुलायम सिंह जी को लेकर आना पड़ा। अच्छी बात नहीं है, मतलब उनकी इस स्थिति में, उनको इस वृद्धावस्था में, उनको मंच पर आकर कोरोना के बीच में प्रचार करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगा। लेकिन अच्छा, यादव परिवार वास्तव में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अखिलेश यादव का मुझे लगता है ये करियर का एक फुल स्टॉप पॉइंट है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको बड़ा अफसोस हुआ ये देख कर कि मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार में आ गए? बिल्कुल, अभी आप ये देखिए ना कि घर के बड़े बूढ़ों से इस तरह से काम नहीं लिया जाता है। दो ही पार्टियां कर रही हैं, एक पंजाब में अकाली दल कर रहा है जो 92 इयर्स ओल्ड बादल साहब को
चुनाव का प्रचार करवा रहा है और एक अखिलेश यादव अपने खुद के लिए करा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब इवन मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी सोनिया गांधी जी को, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उनको इतनी कष्ट नहीं दिया है जितना अखिलेश यादव अपने बूढ़े पिता को दे रहे हैं। तो आप पॉलिटिकल सेंस समझिए कि स्थिति की ग्रेविटी क्या है, कितनी खराब हालत है, कि मतलब यदि यादवों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, जो उस एरिया से साथ छोड़ दिया है जहां से खुद मुलायम सिंह जी ने अपने शिक्षा दीक्षा की, उन्होंने खुद ने अपने आप की राजनीति चमकाई, राजनीति चलाई, वहां पर भी यदि उनको अपने बूढ़े बाप को लेकर आना पड़ रहा है, मतलब ये है कि जनता उनको नकार चुकी है, उनका समाज। तो आप ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह को आपने देखा प्रचार, चुनाव प्रचार करते हुए, तो आपको अफसोस हुआ? तो वो जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, चुनाव प्रचार के दिन, आखिरी दिन, वोटिंग के दिन, 10-10 कैमरों के साथ अपनी माताजी को, अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं 10-10 कैमरों के साथ, तो वो क्या होता है सर? नहीं, वो जाते हैं आशीर्वाद लेने कैमरों के साथ, जाते हैं उनको लेकर जाते, उनको उनको ये नहीं कराते सर, 10-10 कैमरों को साथ लेकर जाते हैं आशीर्वाद लेने माता पिता का। भाई साहब, अगर कोई एक विधायक या सांसद भी अपने एरिया में जाता है तो चार लोग देखने आ जाते हैं, तो देश का बहुत बड़ा नेता आदि जाता है तो 10 क्या, मुझे लगता है 40-50 ओबी वैन भी पहुंचेगी। अच्छा, 40-50 ओबी वैन भी जानी चाहिए, ठीक है सर। यानी आप ये कह रहे हैं कि बड़े नेता जो है अपने माता पिता का आशीर्वाद ले तो वो कैमरे होने चाहिए वहां पर, ठीक है, मैं आपकी बात। आशीर्वाद लेने जाते हैं, हाँ, तो कैमरे होने चाहिए वहां पर, नेता होते। अच्छा, वरना फिर आशीर्वाद नहीं मिलता होगा, खत्म हो चुकी होती है वो अपने। अच्छा, माँ-बाप को घसीटते हैं कि वृद्धावस्था में भी हमारे लिए वोट मांगो भाई साहब। ओके ओके, तो यानी आपने ये कहा कि आपने 2014 के बाद से आडवाणी जी को चुनाव प्रचार में उतारा ही नहीं। बहुत रिस्पेक्टेबल है मुरली जी, बहुत रिस्पेक्टेबल है और हम वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की भूमि से आता हूं भाई साहब, कैलाश जोशी जी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और किस प्रकार से हमने उनको राजनीति के संत डिक्लेयर करके उनको उनका सम्मान किया था। ठीक, यानी आडवाणी जी अब आपके पोस्टर बॉय नहीं है, कुल मिलाकर आप मुझे ये समझा रहे। ओके शिल्पी जी, आशीर्वादाता है शिल्पी जी, यादव लैंड पर अब मुकाबला है, समझ रहे हैं आप? जिस जगह पर आपने मजबूत होने का खुद को तमका भी हासिल किया, आपके ऊपर सवाल भी खड़े हुए कि यादवों की पार्टी है, तो उसी बेल्ट में कल चुनाव है, यादव लैंड पर संग्राम है। कल तक जाट लैंड की बात हो रही थी, अब यादव लैंड की बात हो रही है, क्या तैयारी है? शानदार तैयारी है, शानदार तैयारी है, शानदार। तो कितनी बघेल समेत गुलरेश शेख जी की बोलती बंद होने वाली है, और जो बातें ये कर रहे हैं, इतनी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता अपनी 85 साल की वृद्ध माँ को जब बैंक की लाइन में लगाते हैं तब इनके बोल नहीं फूटते हैं, जब कैमराबाजी होती है तब इनके बोल नहीं फूटते हैं। और ये माननीय नेताजी पर अगर उंगली उठा रहे हैं तो इनको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि नेताजी आज तक राजनीति में सक्रिय हैं, वो लगातार कार्यालय आते हैं, जनसभाओं में आते हैं, हर सभा हमारी ट्रेनिंग वो अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग वो देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके पास कोई जवाब नहीं है कि आडवाणी जी के साथ इन्होंने क्या किया, ये इतनी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है इनके ऊपर। अरे भाई, अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए, और यादव लैंड बताएगा आपको कि वो यादव लैंड नहीं है, अब वो समाजवाद की परिभाषा से चल रहा है। और अच्छा, जो पहले था कभी नेताजी का, 2017 से पहले क्या था, सिक्योरिटी ऑफिसर हुआ करता था, 2017 से पहले क्या था वो? देखिए, मैंने हमेशा बताया है कि ये जो यादव और मुसलमान का जो लेबल लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, किसी और की देन नहीं है। MY फैक्टर करने वाले लोग आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये क्या जवाब दे रहे हैं, ऊट पटांग बातें कि अरे अपने बूढ़े बाप को लेके गया। आपने देखा है कि नेताजी कितने सक्रिय हैं आज तक हम लोगों के बीच में? मोदी जी की माँ बूढ़ी नहीं है, लेकिन नेताजी बूढ़े हो गए, कमाल है भाई, अच्छी क्वेश्चंस हैं इनकी, जवाब इनको जनता देगी। देखिए, जनता इनकी बातों पे नहीं, आप लोग व्यक्तिगत हम लोग से क्या हासिल कर लेंगे, अभी तो मैं उस पर आऊंगा। नहीं, मैं महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूँ, खुर्रे से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद लोकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब दे रही हूँ। तिलक भाई साहब,
समाजवादी पार्टी की बौखलाहट का एक कारण और भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था तो ये रालोद की बैसाखी पर थे, इस बार इनके पास बैसाखी भी नहीं है। आप 42 पार्टी, आप 42 दलों को साथ लेके आए हैं 2017 में 42 पार्टियों से आपने संगठन किया है अलायंस, पता है आपको या नहीं पता है? निषाद पार्टी के साथ आप थे, राजभर के साथ आप थे, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लेके आए, कितने पार्टियों से आपने, मैं क्या सुनूं? अरे आप कितनी बैसाखियां लेके आए थे, अपनी बैसाखियां गिनिए, पहले अपनी बैसाखियां गिनिए फिर बात करेंगे। बैसाखियां लेने, पार्टियों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। नेता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर नेता, दुनिया का सबसे ज्यादा चहेता नेता, सबसे ज्यादा थूथू कराने वाला नेता है, सबसे ज्यादा थूथू कराने वाला नेता है, जिसका टेलीप्रॉम्प्टर अगर रुक जाता है तो वो बोल नहीं पाता है। सबसे ज्यादा थूथू कराने वाला नेता है, सबसे ज्यादा थूथू कराने वाला नेता है, सबसे ज्यादा थूथू कराने वाला नेता है, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के जो भाषण देता है, टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के भाषण देता है, नेता जी तक टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑडियो नीचे प्लीज, एक मिनट। लोकेश जी, 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होना है और सभी की अधिकतर सीटें जो हैं वो यादव बहुल सीटें हैं और दलित फैक्टर भी है यहाँ पर, तो आपके लिए कुछ उम्मीद संभावना है लगता है आपको? ईमानदारी से बताइए। पूरी उम्मीद है जी, मैं ईमानदारी से ही कह रहा हूँ, पूरी उम्मीद है। क्या उम्मीद है आपको कि सपा जीत जाएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव लेके आएगी। आप देखिए किस तरह की बातें हो रही है, इनका ये अपना स्तर दिखा रहे हैं। अब मुलायम सिंह यादव जी भले ही अपने पुत्र को, अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए आए हो, तो उनके ऊपर हमें हम में से किसी को हक नहीं मिलता कि हम उनके ऊपर दया या किसी प्रकार का रोष व्यक्त करें। उसी तरह से शिरोमणि अकाली दल के अगर कोई वरिष्ठ नेता आना चाहते हैं राजनीति में, वो बिल्कुल उनका आदर करना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति की उम्र देखकर उसे दरिद्र या फिर उसे बूढ़ा कहना और इस तरह से ये एक अच्छी बात नहीं है। ये दिखाता है किस तर्क पे ये राजनीति करते हैं। देखिए बात करें हम एक आम आदमी की, एक आम आदमी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुख चैन चाहिए, दो वक्त की रोटी चाहिए, एक रोजगार चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस को देख के आपको क्या लगता है? लोकेश जी जी, ये अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस देख के क्या लगता है आपको? देखिए 2012 से 2017 तक ये कुछ खास काम कर नहीं पाए थे। जियाउल हक की मृत्यु, मुजफ्फरनगर के दंगे, सैंड माइनिंग में स्कैम, ये सब जनता देख चुकी है। 2017 से 2022 तक अखिलेश यादव के सामने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए ऐसा है कि अगर वो चाहते हैं कि भाई एक पुराने संबंध है उनसे, कौन से संबंध? 2012 से 2017 तक कौन से संबंध? एक टाइम पे हमने गठबंधन उनके साथ बनाया था। गठबंधन बनाया तो गठबंधन तो कईयों के साथ बनाया आपने। नहीं नहीं, देखिए कैसा होता है कि एक गठबंधन बनाया था उन्होंने, उन्होंने जो है अपना एक नया क्षेत्र चुना है, वो करना चाहते हैं, हम उनको डिस्टर्ब। अच्छा, इसलिए वॉकओवर दे रहे हैं, वरना हरा देते हैं। बात हराने की है ही नहीं, बात तो ऐसा है कि ये जनता डिसाइड करेगी ना। नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर आपसे, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे आप कह रहे कि हमने वॉकओवर नहीं दिया तो चुनाव हार जाते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई हमारा कहने का मुद्दा नहीं है। देखिए ये जनता खुद बताने वाली है। तो आप तो खुद ही बता रहे हैं ना कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस सपा की है, आपके फैसले ही बता रहे हैं कि लड़ाई बीजेपी वर्सेस सपा की है। मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी और सपा को तो नन ऑफ द अबव से डरना चाहिए, कांग्रेस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, इन्होंने किया क्या है अब तक? ओके राहुल लाल, केवल और केवल जनता का मजाक। राहुल लाल, मेरा एक सवाल है इस बात को लेकर कि भाई 59 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, अधिकतर जाट लैंड के बाद अब जो है एक आ गया कि यादव लैंड, और शिल्पी जी ठोक बजा के बोल रहे कि हाँ यादव तो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जो पिछले दिनों समीकरण बदले हैं 2017-2019 के चुनाव में, क्या वाकई में जो छवि अखिलेश यादव के साथ नहीं मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ी थी कि MY फैक्टर पर चुनाव लड़ते हैं,
क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है या फिर वाकई सपा कुछ बदली बदली सी है? देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहूंगा, प्रथम दो चरण के बाद जो तीसरे चरण में जो चुनाव जा रहा है वहां पर कहीं कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने आप को काफी बदला है, एक तरह से मजबूत स्थिति में दिख रही है। जो अगर हम लोग कहें कि जो सोशल इंजीनियरिंग है इनकी, तो वो सोशल इंजीनियरिंग में काफी बड़ा पैमाने पर बदलाव दिख रहा है। क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा कि अभी किस तरह से अगर पश्चिमी क्षेत्र में चुनाव हुए तो वहां पर जाठों ने खुलकर सहयोग किया, जाट तो छोड़ दीजिए, दूसरे अन्य छोटे छोटे जातियां भी जो है कि वो उन लोगों ने भी एक तरह से सहयोग दिया। तो वही स्थिति है कि आप अगर हम लोग कह रहे हैं कि आज यादव लैंड में है, तो यादव लैंड में केवल इनको यादव वोट नहीं कर रहे हैं, करहल के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि कई सारे तमाम जो दूसरी जातियां हैं वहां पर आसपास जो छोटी छोटी अन्य गर जो एक तरह से यादव के अतिरिक्त जो अन्य दूसरी ओबीसी की जातियां हैं उन लोगों को भी इन लोगों ने अपने साथ जोड़ा। देखिए मुख्य रूप से देखिए एक चीज मैं कहूंगा चावला साहब, आप जानते हैं कि मैं बेबाक बात करता हूं, मैं तो दो तीन पॉइंट इसमें देखिए स्पष्ट है कि इसमें उत्तर प्रदेश में आप चाहे प्रियंका गांधी की रैली को देखिए, वहां पर अभी भीड़ बिल्कुल उमड़ के आ रही है। अगर बहन मायावती जी भी कोई रैली कहीं करती है वहां पर भी लोग आ रहे हैं। अखिलेश यादव में तो देखिए पूरा समुद्री नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए भीड़ का भी एक जो मनोविज्ञान होता है वो भीड़ का मनोविज्ञान जो है जो हम लोग देख पा रहे हैं वो उनको जिस तरह से पहले वहां पर मोदी मोदी योगी योगी के स्वर जो है बिल्कुल वो गुंजामान होते थे, वो एनर्जी वो चीजें वो हम लोगों को नजर नहीं आ रही है, नंबर वन चीज। नंबर टू चीज की देखिए जिस तरह से वो महंगाई के आंकड़े आए और आप जिस तरह से आप जैसे व्यक्ति आप लोगों ने जिस तरह से महंगाई पे बेरोजगारी पे इस प्रकार के मुद्दों को उठाया, आप यकीन मानिए जनता इन्हीं मुद्दों के ऊपर जा रही है। नेशनल टेलीविजन पर लगातार भले हिजाब पर सैकड़ों डिबेट हुए लेकिन हिजाब के ऊपर जनता नहीं गई है, जनता इन्हीं मूलभूत मुद्दों के ऊपर है। अभी आप सोच के देखिए कि खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर हो गई, पिछले डिबेट में गुलरक्ष तक से यही डिबेट चल रही थी हमारी, और उल्टे जो ग्रामीण महंगाई दर है ग्रामीण महंगाई दर शहरी महंगाई दर से और ऊपर हो चुकी है। आप देखिए मनरेगा का आपने बजट कटिंग किया है, आप वहां पे मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे तो लोग बेरोजगार भी है और ऊपर से महंगाई का आलम ग्रामीण क्षेत्र तक में भी है। ये है लोगों के मूलभूत मुद्दे, यही कारण है कि अक्रॉस अलग अलग सेक्शन के लोग जिनको लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी को कौन हरा सकता है उस आधार पर लोग स्ट्रेटेजिक ढंग से वोटिंग कर रहे हैं। ओके शिल्पी जी अपनी बात रखिए, फिर गुलरेश जी को मैं पूरा वक्त दूंगा क्योंकि ये 8:30 बजे तक है मेरे साथ। शिल्पी जी अपनी बात रखिए फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ गुलरेश जी आपके पास। देखिए मैं राहुल लाल जी की बात से 100% सहमत हूँ, बात अब यादव लैंड की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता इतनी एकजुट है, इतनी एकजुट है। मैं लगातार प्रचार में हूँ, जमीनी हकीकत में देख रही हूँ, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, उसके आगे सारे मुद्दे गौड़ हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जो झूठ फैलाया है उस पर इन्होंने प्रति घर तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि यादव हमारे साथ ही रहते हैं। पूरी सुन लें। नहीं शिल्पी जी आप ये कह रहे हैं ना कि यादव लैंड कोई मुद्दा ही नहीं है, कि पहले आप लोगों के ऊपर तमका था कि भाई यादव जो है वो एक तरफा सपा को वोट करते हैं, यही था ना 2017 से पहले, 2017 से पहले आप ही के नेता कहते थे कि यादव मतलब अखिलेश यादव और मुलायम यादव, यानी कि यादव हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव मतलब 85, अखिलेश यादव मतलब 85, उसमें मौर्य भी है, शाक भी है, कुशवाहा भी है, सैनी भी है, चौहान भी है, ठाकुर। लेकिन सत्ता में भागीदारी तो सिर्फ यादवों की थी, पोस्टिंग में भागीदारी सिर्फ यादवों की थी। आज तक 56 SDM की वो फर्जी लिस्ट ये भाजपा ही नहीं प्रस्तुत कर पाए। और बता दूं सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होने को है, हर थाने हर प्रशासन से ठाकुर अधिकारियों की लिस्ट हम लोग ना छपवा दें अखबारों में तो कहिएगा कि हमारा नाम नहीं समाजवादी। अच्छा इतना ज्यादा तो मतलब यादव वाला ठप्पा आपके ऊपर और ठाकुरों वाला ठप्पा इनके ऊपर। अरे यादव ठप्पा तो ये साबित ही नहीं कर पाए, एक लिस्ट तो देते कि वो 56 SDM चले कहां गए जिनके ऊपर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान इन लोगों ने बांटा था। हम आपको देंगे असली लिस्टें कि एक एक जिले में कितने ठाकुर अधिकारी थे। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ नियुक्तियों में यादवों को प्राथमिकता नहीं मिलती थी? बिल्कुल नहीं मिलती थी। पक्का? अब पक्का और कच्चा तो हम नहीं, नहीं एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए ना मैडम, मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। देखिए 12 से पहले क्या था, मेरी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं, जिम्मेदारी नहीं। हाँ, कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं उसके बारे में कोई 2012 के बाद बता दीजिए। 2012 से आपकी जिम्मेदारी नहीं है, चलिए 2012 के बाद तो जिम्मेदारी होगी। आप बोल दीजिए यादव को प्राथमिकता नहीं मिलती थी। मैं जुड़ी हूँ,
अब आप प्राथमिकता दे के बता दीजिए, जो परिवारवाद के आरोप थे वो झूठे साबित हो गए हैं। इस बार हमारी पार्टी ने 52 जाटवों को टिकट दिए हैं, 52 जाटवों को टिकट दिए हैं, इतने बसपा तक ने जाटवों को नहीं दिए हैं। तो ये जो मुलायम वाद, ये यादव वाद का, परिवारवाद का ठप्पा लगाया जाता है, ओके, ये सब झूठा। देखिए आप, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं गुर्रेश जी को देने के लिए, और 6 मिनट में चाहूंगा गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा, जरा 1-on-1 एक बार बातचीत हो जाए गुर्रेश जी से। गुर्रेश जी, जो बात राहुल लाल कह रहे थे, जितनी बात मुझे समझ में आई, एक छोटा सा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे। पिछले 3 दिनों में मैंने देखा सिर्फ मोदी जी 3 बार यूपी आए, सिर्फ 3 बार। आपका सबसे बड़ा चेहरा, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, बड़ा सबसे ऐसा चेहरा जो पार्षद भी वोट मांगते हैं मोदी जी के नाम पर, और मोदी जी यूपी में 10 दिनों में सिर्फ 3 बार आए, सर ये समझ में नहीं आया। देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, हमारा संगठन बहुत बलशाली है, इसलिए तो उनकी इतनी आवश्यकता यहाँ आने की नहीं, इसके बनिस्पत ज्यादा है पंजाब की, क्योंकि हम मानते हैं कि पंजाब में हमारा संगठन कंपैरेटिवली कमजोर है, तो वहाँ हमारे सबसे जो बाहु, जो हमारे सबसे बलवान नेता है, जो सबसे ज्यादा मशहूर नेता है, उनकी हमको ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए मोदी जी पंजाब पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किए, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो नहीं, मैं देख रहा था, नहीं नहीं, मेरा मैंने जो निकाला कि 10 दिनों में प्रधानमंत्री 3 बार यूपी आए, 1 बार कानपुर, सीतापुर और फतेहपुर, सिर्फ 3 बार। वो एक दिन में 3-3 रैली करते हैं, वो 10 दिन में 3 बार आए हैं, ये बड़े मेरे को थोड़ा सा हैरानी हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का मतलब बच्चा बच्चा भाजपा और चप्पा चप्पा भाजपा, जब स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा बच्चा भाजपा हो जाती है, चप्पा चप्पा भाजपा। नहीं तो आपको नहीं लगता कि आपने पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अभियान जो है योगी जी के ऊपर छोड़ दिया? नहीं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं। अच्छा, तो मतलब मोदी जी चेहरे नहीं है? मोदी जी हमारे राष्ट्रव्यापी चेहरे हैं, राष्ट्रव्यापी बड़े सेनापति। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, बड़े सेनापति हैं सर, मेरा दूसरा सवाल, जो बात राहुल लाल कह रहे थे, अब मुझ जैसे नाजान व्यक्ति जो है इतनी बोरिंग डिबेट करते हैं, कभी महंगाई पर, कभी बेरोजगारी पर, वो कहते हैं कि हिजाब हिजाब चलाया करो, थोड़ा हिजाब हिजाब चिल्लाया करो। मैं कहता हूं कि हिजाब हिजाब, वो हिजाब हिजाब चिल्लाए, तुम जॉब जॉब चिल्लाया करो, दवाई पढ़ाई और कमाई। अब सर सवाल सुन लीजिए मेरा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये नफरत के मुद्दों को पैदा करके, जो टीवी चैनल में मेरे भाई बंधु हैं जो नफरत के मुद्दे पैदा करते हैं और फिर उसके बाद डिबेट करते हैं, अखबारों के तमाम बड़े बड़े संपादक जो हैं वो जबरदस्त लेख लिखते हैं उस पर, धर्म के नाम पर जो समाज को बांटा जाता है उससे वोट मिलते हैं गुर्रेश जी? देखिए, आपको ये सोचना होगा कि हमेशा चुनाव के समय ही ऐसा क्यों होता है, वो कौन से दल कराते हैं, वो किनको फायदा मिलता है, कौन से दल है विशेषकर जो मुसलमानों को डराकर एक मुश्त उनको, जिसको कहते हैं कि एक साथ वोटिंग कराना, बिल्कुल एक मत मतदान करवाना, एक मुश्त मतदान करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको नहीं लगता दल इन चीजों के पीछे होते? गुर्रेश जी, आपने इतना विकास किया तो ये समाज को बांट कर जो राजनीति हो रही है इससे लोग और बीमार होते हैं। तिलक जी, मैं एक सवाल, एक सेकंड लोकेश जी प्लीज, एक मिनट, मैंने पूछ के आप लोगों से, सिर्फ मैंने सिर्फ, क्योंकि कुछ ही इसके बाद मैं एक ट्वीट भी दिखाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं कि समाज को लगातार जो बांटा जा रहा है इससे नहीं लगता आपको कि समाज बीमार होता है इससे? ये तो कोरोना से बड़ी बीमारी है। समाज को कौन बांट रहा है? अभी आप देखिए, शिल्पी जी ने सभी समाजों के नाम लिए, सभी वर्गों के नाम लिए, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लिया कि मुसलमान भी हमारे साथ हैं, इन्होंने दलितों का नाम नहीं लिया, बाकी सभी जातियां गिरा दी एक साथ में। तो आपके यहाँ जो बोलते हैं नेता की ये लुंगीदार टोपीदार जालीदार टोपीदार, तो फिर वो क्या इससे विकास होता है? हिजाब की डिबेट से विकास होता है कभी? जो हिजाब पर चर्चा करते हैं, जो डिबेट करते हैं, उससे विकास होता है लगता है आपको? नहीं, देखिए कोई मुद्दा होगा तो फिर मुद्दे पर डिबेट भी होगा, मीडिया अच्छा। जो है वह स्वतंत्र है, वो सब बातें करेगा, लेकिन उठाना कौन है ये चीजों को कौन भड़काता है चुनाव के समय ही? अच्छा, भड़काते हैं कौन से दल है जिसको लाभ मिलता है इन चीजों का? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूँ, मैंने देखा था कि अगर मैं गलत हूंगा तो उसको राहुल लाल करेक्ट कर देंगे, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। सोच के देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी थी
तब उस वक्त सितंबर 2017 में योगी आदित्यनाथ ने एक श्वेत पत्र जारी किया था स्वास्थ्य को लेकर श्वेत पत्र, और उसमें जहां तक मुझे याद है तब योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था कि 40% पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में, और ये उन्होंने बताया था कि सिटी स्कैन मशीन MRI मशीन जो है उसकी कमी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब जब चुनाव आ गया तब एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था कि आपने कि 40% पद जो है स्वास्थ्य विभाग में भरे या फिर नहीं, अगर खाली है तो कितने खाली हैं। आप कह रहे कि ये हिंदू ये मुसलमान 80-20, गर्मी उतार दो चर्बी उतार दो। सर ये स्वास्थ्य पर चर्चा होनी चाहिए थी कि ये गर्मी उतार दो चर्बी उतार दो, अब तो आतंकवाद भी आ गया। मेजोरिटी ऑफ पोस्ट भर चुकी है, कुछ थोड़ी पोस्टें बाकी है वो भी भर दी जाएंगी। आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, 5 साल में तो आपने दूसरा श्वेत पत्र जारी नहीं किया। कब चुनाव था तो देनी चाहिए थी ना आपको कि आपने कितने प्रतिशत जो है पद भरे स्वास्थ्य विभाग में। जनता देख रही है भाई साहब, की जनता कहाँ देख रही है सर, जनता को तो आप हिजाब दिखा रहे हैं। हर जिले के अंदर जनता को आप हिजाब दिखा रहे हैं, तो इसी योगी सरकार ने काम जनता को गुर्रेश जी हिजाब दिखाया जा रहा है। नहीं, हर जिले का जो सिविल हॉस्पिटल है, जो मेन हॉस्पिटल है, वहाँ सिटी स्कैन की मशीन लाए हैं तो हम लेकर आए हैं। अच्छा, संभागीय मुख्यालय का जो, अरे मध्य प्रदेश से बैठ के नहीं पता चलेगा कि कहाँ सिटी स्कैन की मशीनें आई हैं। अब मैं चाहूंगा अब मैं सिर्फ गुर्रेश जी एक मिनट ले रहा हूँ फिर मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। पार्टी का मेरे पास सबका डाटा रहता है सब। सर एक बार मुझे भी दिखा दीजिएगा वो श्वेत पत्र जारी कर देते तो शिल्पी चौधरी जी को बोलने का मौका नहीं मिलता। वो श्वेत पत्र जारी कर देते ना आप, व्हाइट पेपर के अलावा कोई बात बोली नहीं सकती है शिल्पी चौधरी। अच्छा ओके, स्वास्थ्य पे कुछ नहीं बोल सकते, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं हो सकती, कोई सी बात हिजाब पर चर्चा करो। गंगा में लाशें बह रही थी, जब गंगा में लाशें बह रही थी तो भारतीय जनता पार्टी मुंह लपेटे पड़ी हुई थी कोमा में, है ना, गंगा किनारे। एक मिनट, मैं सिर्फ एक मिनट ले रहा हूँ, बगैर चिता के प्लीज एक मिनट चाहूंगा मैं। शिल्पी जी प्लीज, गुर्रेश जी को जाना है प्लीज, एक मिनट, बहुत अर्जेंट काम है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया प्लीज मुझसे। मैं चाहूंगा कि जरा वरुण गांधी के जो ट्वीट है, पहला ट्वीट प्लीज प्ले करिए, सिर्फ एक मिनट में छोड़ रहा हूँ आपको। गुर्रेश जी, राहुल गांधी वरुण गांधी का, माफ करिए, ये ट्वीट वरुण गांधी ने ट्वीट किया, ये देखा आपने गुर्रेश जी, वरुण गांधी लिख रहे हैं विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़, आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश के रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर, ध्यान सुनिएगा, इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है, महाभ्रष्ट व्यवस्था पर। गुर्रेश जी, ये देखा आपने ट्वीट ये वाला वरुण गांधी का? बिल्कुल मैंने देखा। कैसा लगा आपको? रिस्पॉन्ड भी किया। नहीं, उन्होंने सही कहा, सही कहा उन्होंने कि हमारे जैसी जो मजबूत सरकार है वही मजबूती से कार्रवाई कर सकती है, बाकी महाभ्रष्ट व्यवस्था मानते हैं आप? ये महाभ्रष्ट व्यवस्था है, मानते हैं महाभ्रष्ट व्यवस्था भाई साहब? ये व्यवस्थाएं 60 साल में जो बनी है उनको ठीक करने में भी समय लग रहा है, लेकिन हो रही है। अच्छा, 7 साल में ठीक नहीं हो पाई, 8 साल में। एक साहब, कितना समय लग रहा है? आपने डीमोनेटाइजेशन ने टाइम नहीं दिया है अभी सही करने का। डिजिटल इंडिया किया, जाम लेकर गया, जो आपने स्कीम निकाली सब में लिए। अब दूसरा ट्वीट, अब दूसरा ट्वीट दिखा देता हूँ। एक मिनट, लोकेश भाई प्लीज, गुस्सा नहीं गुर्रेश जी, आप दूसरा ट्वीट दिखा देता हूँ। बोलती है तो गुस्सा आता है सर। नहीं, गुस्सा नहीं, आप गुस्सा मत करिए, क्यों बीपी हाई करते हैं अपना? अभी हिजाब पर डिस्कशन करके आते हैं, बीपी हाई नहीं होता आप लोगों का। ये अब ये दूसरा ट्वीट देखिए, जो वरुण गांधी ने ट्वीट किया उसमें लिखा उन्होंने कि गोल्ड लोन नहीं चुकाने पर, उन्होंने एक अखबार की कटिंग को टैग किया, 1,00,000 लोगों के गहने की एक साथ नीलामी। और उन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति अपने पत्नी के जेवर को गिरवी रखता है तब उसके पास आखिरी विकल्प होता है। महामारी और महंगाई की दोहरी मार झेलने का जिक्र उन्होंने किया। ये वाला ट्वीट देखा गुर्रेश जी आपने? ये वाला मैंने देखा। ये वाला किस पर आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों ट्वीट किया? इसलिए किया क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो होता है, हर नेता जो होता है, वो जनता से जुड़ा रहता है, उसका दिल जनता के लिए धड़कता है, तो वरुण गांधी जी भी वही कर रहे हैं। तो वरुण गांधी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं इसका मतलब?
हमारा हर नेता वही करता है, तभी जो है ना व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। तो फिर इसी वजह से वरुण गांधी को चुनाव प्रचार में नहीं उतारा आपने? भाई साहब दो मिनट, वरुण गांधी को इसलिए चुनाव प्रचार में नहीं उतारा कि वो सच ना बोल दें? बिल्कुल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके कहाँ कर रहे हैं चुनाव प्रचार कर रही है? आपकी चार प्रचार की सूची में नहीं है वो? कौन से प्रचार है, कौन से क्षेत्र में? लेकिन जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ बिल्कुल दोनों, पीलीभीत और सुल्तानपुर दोनों नहीं है। आप आ जाइए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आ जाइए, अभी बहुत चरण है, पांच चरण है, आ जाइए भाई, व्यवस्था हम लोग कर देंगे आपके रुकने की। में जिस क्षेत्र में जो मतदान हो रहा है किसी समय इसी क्षेत्र से खबर आती थी। अच्छा, ये वरुण गांधी ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं? वरुण गांधी ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं? मैं अभी बोलूंगा यादव सिंह के बारे में, तो आप बोलोगे कि मैं तो उस समय समाजवादी पार्टी में थी। अरे यादव सिंह के बारे में बोलिए, क्या दिक्कत है? एक मिनट शिल्पी जी प्लीज घुमा रहे हैं, एक मिनट घुमाएंगे ही ना। और क्या कह सकते हैं? गुरेश भाई मैं आपको फ्री कर दूंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए वरुण गांधी ने ऐसा ट्वीट क्यों किया, वरुण गांधी को ऐसा क्यों लग रहा है, ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं वो एक के बाद एक? आपकी सरकार की पोल खोल रहे हैं कार्यकर्ता? नहीं, कोई पोल खोलने की बात नहीं है, हम पार्टी फोरम पे भी ये सभी यही बातें करते हैं। हमारी पार्टी फोरम पे बोल देते महाभ्रष्ट व्यवस्था है, सुधार आप अपनी पार्टी फोरम पर ये बात बोल देते हैं कि महाभ्रष्ट व्यवस्था है, यही काम करते हैं हम लोग भाई साहब। मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे गुर्रे जी, बोलो मत, आपने तो रिकॉर्ड बनाए हैं भ्रष्टाचार के, आप मत बोलो प्लीज। अरे आप तो बात ही मत करो, हमने जो किया है वो आप कर नहीं सकते। बैंक नेशनलाइजेशन लेकर आई थी कांग्रेस, कांग्रेस ने जिन बैंकों को बनाया था वो बैंकों को आप लूट रहे हो। अभी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो, ओके गुर्रेश जी से मैंने बात किया था, 24,000 करोड़ रुपए जनता के आपने प्राइवेट हाथों में, गुर्रेश जी से मैंने वक्त किया था। गुर्रेश जी मैं समझ सकता हूँ आपने वक्त दिया इस मुश्किल वक्त में भी, थैंक यू सो मच। मैं जो उनके साथ व्यक्तिगत समस्या थी मैं उसको शेयर नहीं करना चाह रहा, उन्होंने बताया मुझे कि वो 8:30 बजे तक होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने 35 तक वक्त दिया, 35 मिनट तक। बहुत बहुत शुक्रिया गुरेश भाई आपका। लेकिन यहाँ पर राहुल लाल और फिर उसके बाद लोकेश भाई आपके पास आ रहा हूँ, अब पूरा वक्त आप लोगों का। राहुल लाल मुझे आप एक बात बताइए, जो सवाल था यहाँ पर कि 10 दिन में 3 रैली देश के प्रधानमंत्री की, उत्तर प्रदेश में जहाँ सेमीफाइनल माना जा रहा था, यहां सवाल यह नहीं खड़ा होता कि एक दिन में 3-3, 4-4 रैली करने वाले देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 3 रैली करते हैं 10 दिन में, संकेत क्या है? संकेत वही है, देखिए प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि उनकी अपनी व्यक्तिगत छवि खराब हो। जब तक लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा कर सकती है तो उत्तर प्रदेश में काफी गतिमान थे, लेकिन अब जब उनको लग रहा है कि कहीं कहीं उत्तर प्रदेश एक तरह से उनके हाथ से बाहर निकलते जा रहा है तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी आवृत्ति घटा दी है। नहीं तो आपको देखिए वो नहीं चाह रहे ना कि जैसे पश्चिम बंगाल में उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए, लेकिन उसके बावजूद भी जब परिणाम उनके अनुकूल नहीं आए तो उसने जो ब्रांड मोदी है वो प्रभावित होता है। आपको याद होगा शुरुआत के समय हम लोगों ने देखा कि चुनाव प्रचार में योगी जी का नाम हटा दिया गया था, उसमें एक कहा गया कि भाई डिलीवरी बहुत अच्छा नहीं किया है उन्होंने, उसने चुनाव जो है तो योगी जी के नाम पर नहीं होगा। देखिए तो आपके बार एक तरह से भाजपा सरकार इस प्रकार के स्लोगन थे, लेकिन जैसे जैसे लगता चला गया कि कहीं कहीं यहाँ पे मामला गड़बड़ है तो वैसे फिर फ्रंट पे पुनः योगी जी हम लोगों को सामने में प्रकट होते हुए दिख रहे और अब पूरा मामला योगी जी खुद ही संभाल गए। ओके, लेकिन लोकेश जी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, राहुल लाल कह रहे हैं कि भैया वो तमका नहीं हासिल करना चाह रहे, अगर चुनाव में किंतु परंतु की स्थिति आई तो फिर ये बात आएगी कि मोदी जी चुनाव हार गए, अब अगर ठीकरा फूटेगा तो योगी जी के सर फूटेगा, राहुल लाल की बात को मुझे समझ में आया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो अखिलेश यादव के कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था, सवाल ले लीजिए, अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आपको क्या लगता है कि कॉन्फिडेंस है या और कॉन्फिडेंस है अखिलेश यादव का? देखिए मैं थोड़ी आंकड़ों की बात करना चाहता हूं यहाँ पे। सर आंकड़ों की करिएगा ना, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, खूब आंकड़ों की बात करिएगा, मैं आंकड़े ही पसंद करता हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आऊंगा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्यों आपको भी पसंद नहीं आया गुरेश जी की तरह? आंकड़ों पर ही आधारित, सवाल पसंद नहीं आया, आप मुझे जवाब दे रहे देंगे तभी मैं जवाब दे पाऊंगा। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस या और कॉन्फिडेंस आपको क्या लगता है? मेरा जवाब चाहते हैं या वो सुनना चाहते हैं जो मतलब जो वो बुलवाना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं? हाँ मैं वही बुलवाना चाहता हूँ अगर आपको लगता है तो, आप बोलिए ना। तो आप क्या आप ऐसे ही बता दीजिए ना, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आप मुझे तो मेरा सवाल सुन लीजिए, मैंने पूछा कि अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है जो झलक रहा है? साफ ओवर कॉन्फिडेंस है साहब, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। देखिए आप अगर
पिछले चुनाव की बात करें 2017 की, उस समय भाजपा को 24% सीटों की बढ़त मिली थी। अगर हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं, उनके पास टोटल जो सीटें आई थी वो 39.6 सीटें थी उनके पास में। एक तरह से माना जाए कि उनके पास में खुद का 15% का तो जो इनका कोर भाजपा का वोट बैंक है उसने वोट किया था, और ऊपर से 24% जो था ये मोस्टली मोदी वेव या फिर जो भी इन्होंने प्रोपागेंडा किया था उसका आउटकम था। इस बार 2022 में फार्म लॉस हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार उत्तर प्रदेश, कोविड क्राइसिस हो चुके हैं, तो इस 24% में इनको बहुत बड़ा एक तरह से खामियाना भुगतना पड़ेगा। लोकेश जी, अब बात आती है इस 24% का लाभ किसे होगा। हाँ देखिए, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को 22% मतदान मिले थे पिछले बार के इलेक्शन में, समाजवादी पार्टी को 21% मतदान मिले थे पिछले इलेक्शन में। इसका मतलब यह है कि एक समाजवादी पार्टी का जो उतना ही था, इसमें 24% का जो मेजोरिटी लाभ मिलेगा। अच्छा, 34% आपको लाभ मिलेगा। मुद्दे उठाए हैं जिनपे ज्यादा परेशान है। अच्छा, 34% आपको लाभ मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं, महंगाई के। अच्छा, कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन भीड़ अखिलेश यादव के यहाँ पहुंच रही है। शिल्पी जी, मेरा सवाल वही है, फिर मैं राहुल लाल से भी पूछूंगा, अभी जरा कुछ सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है। मेरे को एक बात बताइए, अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस में है? वो तो जवाब नहीं दे रहे थे। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। हमें बिल्कुल यकीन है कि जनता इस समय सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी उसके गठबंधन के साथ है, जनता पीड़ित है, और जो भी पार्टी जैसा भी दावा करें कम से कम वो अपने संगठन को थोड़ा सा टटोल लें। जमीन पर इनका संगठन नहीं है, और ये दूसरों को कह रहे हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। वो तो कह रहे 34% हमें मिलेंगे। हाँ, मैं कह रही हूँ ना कि उनके पास संगठन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से 34% ला रहे हैं भाई, लेके आए, बहुत अच्छी बात है। उनके लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है, इस समय वो तो रहेंगे ही नहीं, या रहेंगे या नहीं रहेंगे। तिलक साहब, तो ओवर कॉन्फिडेंस किसका है ये तो दुनिया देख रही है। आप हालत देखिए कि जिस समय अखिलेश जी और प्रियंका जी आमने सामने पड़े थे, तो जितने लोग प्रियंका जी के ओर मुड़े हुए थे वो यकायक सारे के सारे मुड़कर अखिलेश यादव को अभिवादन करने लगे थे, और प्रियंका जी शर्मिंदा होकर सर झुका गई थी। लेकिन आपको इनका एहसान नहीं मानना चाहिए शिल्पी जी, आपको इनका एहसान नहीं मानना चाहिए कि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा अखिलेश जी के सामने। अरे हम तो कह रहे हैं वो उतारे हैं, हम तो कह रहे हैं वो उतारे हैं। नहीं, आप कहां उतारे, आपको तो एहसान मानना चाहिए लोकेश जी का, आप इतना गुस्सा कर रही हैं उन पर। देखिए, हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं, मैं तो इतना मुस्कुरा के जवाब दे रही हूं। मैं तो कह रही हूं ना कि वो ये चाहते हैं कि वो ऐसा एक ऐलान करें कि हम उनके सामने कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं, और हम अमेठी में अपना कैंडिडेट ना उतारे, हम रायबरेली में अपना कैंडिडेट। तो आप तो ऐसा करते थे ना हर जगह अपना, आप भी तो वॉक ओवर देते थे ना इनको, करते थे ना, करते थे। हाँ। अब नहीं कर रहे हैं। अच्छा। नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता तो आपके ऊपर एहसान नहीं किया इन लोगों ने, जो संगठन आपके ऊपर कांग्रेस ने कोई एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं, जो संगठन विहीन हो चुकी है पार्टी, उस पर जाकर अगर हम उसे वॉक ओवर देते हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। संगठन विहीन, सबसे ज्यादा मुद्दे लोकेश जी किसने उठाए, तो कहने को सबसे ज्यादा तो इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जेल गए, ये भी यही कहते हैं। तो इनके नाम रिकॉर्ड है, प्रदेश अध्यक्ष इनके, इनके नाम रिकॉर्ड है, वो ये कहते हैं। लेकिन राहुल लाल अब चुनाव नीति नहीं होती है। नहीं, अब चुनाव कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है आपको कि पहले चरण में जिस तरह से जाट लैंड की बात हो रही थी, तीसरे चरण तक आते आते अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच गया कि नहीं भैया हम ही हैं जो हैं, अब तो ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, सिर्फ अखिलेश यादव। ये अखिलेश भैया वाला जो इस वक्त मूवमेंट चल रहा है उसमें कहीं दिखाई दे रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं मात खा रहे हैं? नहीं, देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि चूंकि देखिए अब तक जो चुनाव हुए दो चरण के, वो चुनाव कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें राष्ट्रीय लोकदल के पास जिम्मेवारी थी, तो राष्ट्रीय लोकदल एक तरह से अपनी पारी खेल रही थी। अब चूंकि ये राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्र से बाहर आके अब बिल्कुल जो समाजवादी पार्टी का जो कोर हर्ट वाला एरिया है वहां पे है, तो यहाँ पे देखिए अब अगर वो कप्तान बने हैं तो कप्तान को अपने कप्तानी पारी के लिए कॉन्फिडेंस के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा भी लो करेंगे तो फिर जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके सिंपथाइजर्स हैं, उन सब में संकेत गलत जाएगा उनका। चूंकि देखिए अभी भी
बीजेपी को लेकर प्रथम दो चरण नहीं अच्छे गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या चीज कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि प्रथम दो चरण में ही हम लोगों ने जो की सरकार बना ली, तीसरे चरण तक सरकार बन जाएगी। तो वो देखिए वो एक तरह से आपको वो एक पोस्टर आपको दिखाना भी पड़ता है, लेकिन देखिए जमीनी स्तर पर जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं कहीं इस बार की स्थिति 2014, 17 और 19 ये तीनों इलेक्शन एक अलग प्रकार के इलेक्शन थे, और ये इलेक्शन मैं कह रहा हूँ कि ये जनता का इलेक्शन है जिसमें कि जनता लगातार राजनीतिक पार्टियों के ऊपर दबाव बना रही है कि आपको हमारे मुद्दे पे आना पड़ेगा। यही कारण है कि देखिए चावला साहब आप जो डिबेट करते रहे हैं मुख्य धारा के मीडिया को छोड़ दीजिए, लेकिन आपके डिबेट सोशल मीडिया पे कितने ज्यादा देखे गए, तो जनता हर तरफ संकेत दे रही है, नेताओं को भी संकेत दे रही है और वो मीडिया कर्मियों को भी संकेत दे रही है, यही हमारे मुद्दे हैं, इसी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। लेकिन जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए, आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंस रहे? आपको ऐसा लग रहा है? एक बार हमें देखिए एक बार जो उनका एक बयान था जिसमें कि एक तरह से जिन्ना का उन्होंने संदर्भ चर्चा किया था, वहां पे देखिए उन्होंने प्रयोग किया उसको बीजेपी ने, वो उन्होंने एक बार बोला बीजेपी ने जिन्ना का नाम 1,00,000 बार लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो भी सावधानी बरत ली कि भूल चुक से भी इस प्रकार की कोई चीज ना हो जिसका प्रयोग बीजेपी कर ले, तो उन्होंने वो बीजेपी के पिच पे नहीं आए। यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट का मामला यही है कि देखिए आपने हिंदू मुस्लिम खाई को तैयार करने के लिए पोलराइजेशन वही आपके वोट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मैदान था, लेकिन देखिए जब लेकिन वो पूरा का पूरा मामला ना तो प्रथम चरण में दिखा ना दूसरे चरण में दिखा, और खेती किसानी का मामला क्योंकि देखिए कल यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है वो आलू बेल्ट है, ये भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, और जिस तरह से लखीमपुर खीरी के मामले में जो वहां पर किसानों की निशान हत्या हुई वहां पे, और एक तरह से अजय मिश्र टेनी जी आशीष मिश्र टेनी को छोड़ा गया उनको जमानत दिया गया, ये सब मामले भी कहीं कहीं एक तरह से ये शामिल है इस चुनाव में, यानी कि खेती किसानी के मामले को लेकर जो सरकार का संवेदन हीन रवैया है उसको लेकर भी कहीं कहीं वो वोट के बहुत प्रमुख मुद्दे हैं वो। लेकिन शिल्पी जी ये अब तो चुनौती है ना, एक तरफ खुद मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव और दूसरी तरफ उनके राजनीतिक शिष्य एसपी बघेल साहब, इस चुनौती को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए जो राहुल लाल जी ने कहा है मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एकदम सारगर्भित बात कह रहे हैं, ये जनता का चुनाव है, जनता के मुद्दों पे चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोगों ने मोहल्लों में गाँव में घुसने नहीं दिया है, शहरों में स्थिति ये है कि इनके जो प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में नहीं निकल पा रहे हैं डर के मारे, ऐसे में एसपी बघेल हो या आप ये केशव प्रसाद मौर्य हो इनका भविष्य एकदम, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव की साख कल दांव पर है? बिल्कुल, आप अपनी तो साख बचानी है, परिवार की भी बचानी है, दोहरी चुनौती है। बिल्कुल, जमानत जब्त होगी एसपी बघेल की, जैसे निरहुआ को इन लोगों ने आजमगढ़ में उतारा था और जोकर बना दिया था, बिल्कुल वही एसपी बघेल के साथ होने जा रहा है, एसपी बघेल के साथ होने जा रहा है ये मुकाबला। राहुल कहना चाह रहे हैं इस समय भी देख लीजिए फ्रेम में सिर्फ अखिलेश हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी आपके फ्रेम से गायब हो चुकी है। राहुल लाल प्रदेश का फ्रेम इस समय केवल देखिए एक चीज मैं कहना चाह रहा था, ये करहल के मामले में देखिए बीजेपी एक तरह से चुनाव लड़ती है, हम लोग जानते हैं कि बीजेपी अपने आखिरी दम तक जो भी ताकत होता है तर्कस के जो भी तीर होता है उसको निकालते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो एसपीएस बघेल जी का जो चुनाव प्रचार था वो क्या मामला था, वो मामला ये था कि वो चुनाव प्रचार में बराबर उठा रहे थे कि भाई अखिलेश जी जो है वो नेताजी के उस रूप में नहीं हुए लेकिन हम अभी भी उनके शिष्य हैं, ये उनके प्रचार का जो है एक तरह से मुख्य केंद्रीय बिंदु होता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रचार के केंद्रीय बिंदु को जब खुद एक तरह से माननीय जो आ रहा है मुलायम सिंह यादव खुद जब मैदान में आते हैं तो एक तरह से उस अवधारणा को तोड़ने का काम करते हैं। तो अब जो हम आपका जो शुरुआत में आपने सवाल पूछा था कि आखिर क्यों एक तरह से मुलायम सिंह यादव जी को भी मैदान में उतरना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग बाउंड्री के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे बघेल साहब की, भाई हम उनके शिष्य हैं और उनके साथ हमारे संबंध अभी भी अच्छे हैं, हमने कभी भी उनका अपमान नहीं किया लेकिन उनके पुत्र ने खुद उनका अपमान किया। तो इसी शब्द का इसी लाइन का जवाब देने के लिए कहीं कहीं मुलायम सिंह यादव भी फील्ड में उतरे और एक संकेत दिए। देखिए एक चीज में मानना पड़ेगा कि जो वो पूरा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ये चुनाव होने जा रहा है वहां पे कहीं कहीं मुलायम सिंह यादव को लोग एक तरह से जो है कि वो नेता के रूप में नहीं देख रहे हैं, अब वो धीरे धीरे कहीं कहीं वो नायकत्व की उपाधि की तरफ चले गए जहां पे लोग उनके कागज के रूप में देखते हैं। हाँ आप पत्रकार बंधु लगातार भले हम लोग उनकी समालोचना करें विश्लेषण करें उनके तमाम बयानों को लेकर जो भी खंडन करें या उसकी कमियां निकालें, लेकिन जनता का देखने का नजरिया उनका एक अलग किस्म का नजरिया है, इसमें हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो यादव बेल्ट है जिससे भले ही अब शिल्पी जो है डिबेट में ये कहें कि नहीं नहीं भैया ना ऐसा नहीं है, लेकिन यादव बेल्ट मतलब कि
सपा के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका, आप ये समझा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जो कि बघेल साहब की जो चुनौती थी ना, वो एक देखिए उनके ऊपर वो उन्होंने हमले के आरोप लगाए कि भाई समाजवादी पार्टी के तरफ से लोगों के ऊपर हमले हुए, वो उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक तरह से गुंडागर्दी तक के आरोप लगाए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का मूल एजेंडा है। तो उन सब चीजों को लेते हुए देखिए ये एरिया यादव लैंड का एरिया है तो है, तो एक तरह से उस एरिया में कहीं कोई नुकसान की स्थिति ना हो उस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए आप देखते हैं कि 59 सीटों पर जब वोटिंग होगी 16 जिलों की कौन किस पर भारी पड़ेगा। अखिलेश यादव के सामने चुनौती अपनी साख बचाने की और परिवार की साख बचाने की भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल आपका भी, शिल्पी जी आपका भी, गुरेश शेख हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लोकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मुकाबला होगा दिलचस्प, इतना तय है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि अब आतंकवाद की भी एंट्री हो चुकी है, यानी पूरा चुनाव नफरत पर आकर टिक गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्शना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2000